स्कीट हो रहा है चाका, एक सेकंड एक सेकंड। बाप रे बाप, না তো পারবে না কোনটা না আস্তে আস্তে নামবে সব জায়গাটা না একটু রানিং এ চড়তে হবে, ফার্স্ট গিয়ারে রানিং এ। আমার রানিংটা কম ছিল, ফার্স্ট গিয়ারে উঠছিলাম। আর দুজন আছি, স্যাডেল ব্যাগ আছে। হ্যাঁ চলো, যাও রাখে সাইয়া মার সকে না কই, জয় শিব শম্ভু। ধন্যবাদ বাবা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। নেই তো আবি পিছে কে তরফ তো যা রে থে, পিছে খাই হ্যাঁ খাই থা ইয়া ক্যা থা পতা নেই, লেকিন গিরতে জরুর গিরতে, গিরতে গিরতে বচে। সচ মে সিকিম অর টফ হ্যাঁ, ইটস মোর টফ দেন দার্জিলিং, মোর টফ। স্লোলি স্লোলি স্টেডি, ও ইয়ে লাইট অফ কর দেতে, ফগ লাইট জ্বালাতে, হেডল্যাম্প সে কাম চল নেই রা হ্যায়, গিরতে গিরতে বচে। দেখো রানিং মে চড়না পড়েগা, নেই তো ফির ফিস লেঙ্গে হাম। চড় গে বাবা, ইয়ে তো ঝরনে কা পানি হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ কি রাস্তে মে নেই আয়া, নেই তো ইয়ে ভি ওয়াটার ক্রসিং বন জাতা। থোড়া শায়দ ঠিক রোড মিলেগা, চলিয়ে থোড়া সা আচ্ছা রোড মিলা হ্যায়, লেকিন জাদা জোর সে চল নেই পায়েঙ্গে, ক্যোঁকি অন্ধেরা হো গিয়া হ্যায়। গ্যাংটক মঙ্গন, ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, মঙ্গন ইস তরফ, উপর কে তরফ গ্যাংটক যা রহা চলো, ইস বার গলতি নেই হুই, মেরা ফগ ল্যাম্প অন হো গিয়া থা, অফ হো গিয়া থা, ইয়ে ট্যাঙ্ক ব্যাগ কা ধাক্কা লাগ কে, ইস বার গলতি নেই হুই, সেম থা, সিপ মানে ব্রেক লাগা দিয়া থা আর ফুল থ্রোটল মেই গাড়ি থা উস টাইম, লেকিন ক্যা হুয়া ব্রেক ভি দবা দিয়ে আর পিক আপ কম থা, থোড়া দূর সে গাড়ি রানিং মে চালানা পড়তা হ্যায়, ইয়াহাঁ পে থোড়া সা দিক্কত। ফির সে মেরা লাইট, আহিস্তা আহিস্তা জানা পড়েগা, ক্যোঁকি ল্যান্ডস্লাইড জোন হ্যায়, ভাই সাহেব আরাম সে। চলো রাইট মে আ জাতে হ্যায়, রাইট কা রাস্তা থোড়া সা সহি হ্যায়, খারাপ হো যা রা হ্যায়, দিন মে ভি আতে তবি ভি দিক্কত হোতা। ফের ওই রাস্তা, রানিং উঠানো পড়েগা,
रास्ता बीच बीच में इतना खराब है, इतना गड्ढा गुड्ढा है ना, तो हालात खराब हो जा रहा है। थैंक यू भाई हम लोगों को साइड दे देने के लिए। हम लोगों का रूम कौन सा है, ये वाला? ओ अच्छा, यहाँ से जाने का रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनली पहुँच गए। चलिए रूम पे जाते, फ्रेश होकर बात करते। सो अभी हम लोग पहुँच गए होटल पर। रास्ता क्या है क्या नहीं है वो आप लोगों ने देखे ही हैं। बाबा भोलेनाथ के कृपा से हम तीन तीन बार गिरते गिरते बचे हैं। पहली बार मेरा गलती नहीं था, वो गाड़ी चल रहा था, वो बीच में रुक गया। वीडियो में आप लोग देखे ही है, मैं भी रुक गया, गाड़ी स्लो हो गया और गाड़ी खींच नहीं पाया। प्रिया को उतरना पड़ा गाड़ी से, फिर हम गाड़ी को चढ़ा पाए, वरना नहीं चढ़ा पाता। और नीचे आ रहे थे, मैं डिस्क ब्रेक को पकड़ के रखा था, लेकिन गाड़ी फिर से नीचे ही आ रहा था, चक्का पूरा स्कीड खा के नीचे आ रहा था। और दो टाइम मेरा सेकंड और थर्ड टाइम मेरा थोड़ा गलती था, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था। चलिए ठीक है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से अभी तक कुछ नहीं हुए, स्वस्थ है, सलामत है एकदम, मैं भी और प्रिया भी, और हम लोगों के साथ जो जो लोग आ रहा था एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। आबिर भी अभी आ चुका है, वो अभी ये होमस्टे में ही जस्ट चेक इन किया, अभी सिर्फ गया है परमिट लेने के लिए। मंगन से ये होमस्टे 2 किलोमीटर नीचे ही है, और ये नया होमस्टे है, अच्छा ही है एकदम, सब ब्रांड न्यू ही है। और इधर 3 बेड है, ये एक डबल बेड और ये एक सिंगल बेड, रूम भी बहुत बड़ा है। और बाहर का दृश्य हम सवेरे दिखाएंगे, जो मैं पहले बताया था वीडियो में, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, शेबॉक ब्रिज में अगर आपको ड्रोन उड़ाना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोन अलाउड नहीं है शेबॉक ब्रिज में, क्योंकि शेबॉक ब्रिज ब्रिटिश ने बनाया था, तो वो अभी एक हेरिटेज बन चुका है। हेरिटेज एरिया में ड्रोन अलाउड नहीं होता है, आप रजिस्टर्ड ओनर हो या नॉन रजिस्टर्ड कोई भी हो। फिर भी हम पूछा, एक लेडी कांस्टेबल थी, तो मैडम ने बोली कि अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो आपको सेवक जो पुलिस स्टेशन है वहीं से परमिशन करके लाना पड़ेगा। ये सेवक पुलिस स्टेशन है जहां हम रेल गेट क्रॉस कर रहे थे उसी जगह पे, और ये है रेलवे क्रॉसिंग कोलकाता। तो फिर 3 किलोमीटर नीचे जाके परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हेरिटेज प्लेस है, ना मिलने का चांसेस 99.99%, तो नहीं कराए। तो ड्रोन अब जहीं पे भी उड़ाइएगा तो थोड़ा सोच समझ के, बातचीत करके, पूछ के उड़ाइएगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, मंगन वाला जो रास्ता है, कोशिश कीजिएगा कि सिलीगुड़ी से जल्दी निकलने के लिए, क्योंकि रात का टाइम हम तो पहुँच गए, 7:30 बजे पहुँचे, मतलब रास्ता कुछ खास नहीं है, और थोड़ा थोड़ा बूंदा पानी होने के कारण रास्ता बहुत स्लिप भी हो रहा था। लगेज तो है ही, लगेज ज़्यादा लाए नहीं, फिर भी ये भी लग रहा है लगेज, अब सिर्फ एक टी शर्ट और एक जीन्स पहन के निकलना पड़ेगा और वही पहन के घर जाना पड़ेगा, वैसे ही लगेज बनाना पड़ेगा, लगेज ना लेने के बराबर लेना पड़ेगा। आज का वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक से अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे फेसबुक पेज SKN ट्रैवल मैनिया को फॉलो कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर अपडेट मेरे चैनल SKN ट्रैवल मैनिया का मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग SKN ट्रैवल मैनिया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, बी सेफ ऑन योर राइड। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए है, मेरे लिए बैड मॉर्निंग है। गंदा है। कोई बात नहीं, गंदा है। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू, ठीक है।